नमस्ते दोस्तों, सारथी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राम और इस वीडियो सीरीज़ को हम इस प्रकृति की गोद में शुरू करने वाले हैं। वैसे अपाची पोई का मैं इंग्लिश वर्जन बना चुका हूं, लेकिन कुछ दोस्तों की डिमांड रहती है कि वीडियो को हिंदी में भी बनाएं, जिससे कि उन लोगों को आसानी हो जिनको हिंदी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है लेकिन इंग्लिश में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी पुरानी वीडियो सीरीज़ को जो मैंने इंग्लिश में बनाई है उनको भी हिंदी में कन्वर्ट करूँ, और साथ साथ में नए जो वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उनको भी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाऊँ। तो अपाची पोई इंग्लिश मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कुछ वीडियोज़ अपलोड हो भी चुके हैं और कुछ बाकी हैं। साथ में अब मैं इसका हिंदी वर्जन भी शुरू करने वाला हूँ। और मेरे पीछे आप ये एक बहुत घना जंगल देख सकते हैं, और उस वहाँ पर थोड़ी दूर वहाँ पर मैं अपना रिकॉर्डिंग का काम करता हूँ अपना लैपटॉप के साथ। ज़्यादातर मैं घर पे भी कर लेता हूँ और कुछ वीडियोस मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, और यही कारण है कि आप मेरे वीडियोस में ये पक्षियों की आवाज़ें सुनते हैं वो यहाँ की ही होती हैं, इस जंगल की। और अभी भी आप जो ये आवाज़ें सुन रहे हैं वो नेचुरल है, यानी कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ मैं। तो इस सब को छोड़ते हुए आइए टॉपिक पे बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है कि हमें बहुत लंबा चौड़ा एक थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना पड़े, लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बस दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस के बारे में बताऊंगा यहाँ पर। एक है XSSF और एक है HSSF। दोनों में डिफरेंस यही है कि एक्सेल का जो पुराना वर्जन था, जो 97 से आई थिंक 2013 तक चला था, उसका एक्सटेंशन था XLS, और जो नया वर्जन है उसका एक्सटेंशन है XLSX। ओके, तो जो नए के लिए हम XSSF यूज़ करेंगे और पुराने के लिए HSSF। ओके, तो ये जो दो डिफरेंस है इन दोनों क्लासेस में यही है। बाकी ऐसा तो कुछ और मुझे लगता नहीं है कि बाकी दोनों क्लासेस में और कोई डिफरेंस है। मेथड्स भी दोनों के लगभग सेम ही हैं। तो थ्योरी में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा है, हालांकि अगर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी आपको नॉलेज तो एक्स्ट्रा मिलेगी ही। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसको अपने जावा प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप थोड़ा प्रकृति का आनंद लीजिए और मैं तैयारी करता हूँ नेक्स्ट वीडियो की। धन्यवाद।